नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IDTech एजुकेशन में। दोस्तों, कि जैसा आप सभी देख सकते हैं कि NCL ने और ITI अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि ITI पास UP और MP बेस्ड इंस्टीट्यूट वाले बच्चे इस अप्रेंटिस को भर सकेंगे फॉर्म को। नॉर्थन कोल फील्ड्स लिमिटेड, ये सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक भारत में कंपनी है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि इसमें वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए और 100 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति लिख ली है ये, जिसमें जनरल के लिए 51 सीट है, OBC के लिए 15, SC के लिए 14 और ST के लिए 20, और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे भी कुछ सीटें लिख ली हुई हैं। टोटल 100 सीटें हैं वेल्डर ट्रेड के लिए, और जो दूसरा जो है फिटर ट्रेड के लिए, इसमें 800 सीटें पे जो अप्रेंटिस लिख ली हुई है, जिसमें 406 सीट है जनरल के लिए, OBC के लिए 120 और SC के लिए 114 एंड ST के लिए 160 पोस्ट है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट लिख ली हुई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए लगभग 500 सीटें लिख ली हुई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 254, OBC के लिए 75, SC के लिए 71 और ST के लिए 100 सीट्स हैं। मोटर मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे 100 सीटें मांगी गई हैं। टोटल यहाँ पे 1500 सीटें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी है जो है वो कुछ इस प्रकार से है। वेल्डर के लिए यहाँ पे 8 पास एंड ITI पास होना चाहिए, NCVT, SCVT, रिकोगनाइज UP और MP बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली। UP और MP के जो इंस्टीट्यूट हैं ITI के, केवल उन वही बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास एंड ITI पास, फॉर फिटर के लिए 10th एंड ITI पास, मोटर मैकेनिक के लिए 10th एंड ITI पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ डेट जो है, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है सभी ट्रेड्स के लिए, जो भी जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उन लोग की जो है वो 31/12/2019 से पहले रिज़ल्ट आ गया हो, वो पास हो, तभी वो बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन दी हुई है, यहाँ पे कुछ आप सभी देख सकते हैं आगे। जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का वो देख सकते हैं आप। ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही लिए जाएंगे। आप इसके पोर्टल पे इसे फिल कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसे देख करके फिल कर सकते हैं। इसमें रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स, सेल्फ सिग्नेचर, पेरेंट और गार्जियन का सिग्नेचर, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, 8th एंड 10th का मार्कशीट, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको इसमें भरना है। तो फर्स्ट स्टेज में आप वेबसाइट पर जा कर के ये सभी डिटेल देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज में आप इसे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो कि पहले कभी भी अप्रेंटिस नहीं किए हैं, जो पहले से अप्रेंटिस किए हुए हैं और या कर रहे हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और उनके सभी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो 31/12/2019 तक कंप्लीट होने चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और ये मेरिट के आधार पे लिया जाएगा इस में। दोस्तों, जैसा देख सकते हैं आप लोग, और इस
फॉर्म का जो लास्ट डेट है वह 16/8/2020 को 5 बजे तक है, और ये इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फिलिंग डेट है वो स्टार्ट है वो 17/7/2020 से स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो दोस्तों जो NCL का ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है उसे आप कुछ इस प्रकार से भर सकेंगे। इसमें आप पहले अपना ट्रेड चुनेंगे, ट्रेड आपका जो भी हो, फिटर, गैस वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, नेम, फादर नेम, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, आप यदि फिजिकली चैलेंज है तो वो फिल करें, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है आपकी, आपका जो पता है वो, किस साल में आपने ITI पास किया है, मोबाइल नंबर, और दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल भी मांगा है जो कि बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यदि आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जल्द से जल्द खुलवा लें, और जो दस्तावेज अपलोड करने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। फ़ोटो आपको लगानी है यहाँ पे, जो मैक्सिमम साइज़ हो 40 KB, 80 KB, मिनिमम साइज़ 40 KB। सिग्नेचर के लिए दोस्तों मैक्सिमम साइज़ है 50 KB, JPG फॉर्मेट में हो। फादर या गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा जो कि 50 KB मैक्सिमम साइज़ है। ITI का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि 100 KB में मैक्सिमम साइज़ है। JPG सारी, ये सारे फॉर्मेट JPG फॉर्म में होंगे। फिर जो ITI की मार्कशीट आपको मिली होगी उसका फ़ोटो भी अपलोड करना है। 8th या 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। आपके पास 8 हो, 8 के बाद यानी 8 क्लास के बाद आपने ITI किया हो तो 8th का, 10th के बाद किया हो तो 10th का। पैन कार्ड का भी JPG फॉर्मेट में 100 KB मैक्सिमम साइज अपलोड करना है। आधार कार्ड का भी, और यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी। और फिर यहाँ से एक्सेप्ट करके प्लेस डाल करके और ये कैप्चा को आप फिल करके आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले मैंने और भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है, और जो NCL में जो फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन के लिए है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, उसके सिलेबस का, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू दोस्तों।